एंड मैं बचपन से ही मैंने गाना शुरू किया एंड छोटी छोटी जगहों पे परफॉर्म करना शुरू करा. एंड एट द एंड मुझे मेरा सबसे बड़ा ब्रेक मिला था 2019 में, जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग डेब्यू सॉन्ग आया था टी सीरीज़ के साथ, दिल्ली शहर. मिलन गाबा नोन आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने एक कोलैब किया था. एंड उसके बाद मेरे और दो तीन सॉन्ग्स थे जो इन लाइन थे विद मिस्टर बी पराग, और इन सब के साथ मेरी मीटिंग हुई. बट कोविड हिट कर गया तो उसके बाद थोड़ा वीडियो शूट्स में और सब में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई. फिर उसके बाद अमित जी ने मेरे को इस सॉन्ग के बारे में बताया एंड फिर हमने इस सॉन्ग के ऊपर काम करना शुरू करा. तो धीरे 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 एंड इस सॉन्ग के साथ साथ मेरा इस साल एक और गाना मैजिक रिलीज़ हुआ था फ्रॉम जी म्यूज़िक. वो मेरा पूरा मेरा प्रोड्यूस्ड मेरा एवरीथिंग मेरा लिखा हुआ गाना है कम्प्लीटली. तो ये थी अभी तक की जर्नी. अब ये गाना रिलीज़ हो रहा है आज. तो आपने क्या ट्रेनिंग लिया है या फिर? मैंने सीखा है, मैंने क्लासिकल सीखा है 16-17 साल. मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है एंड काफ़ी घरानों से भी सीखा है. बट कोई ऐसा यू नो लर्निंग एज ख़त्म नहीं होती, लर्निंग एज चलती रहती जब तक यू नो जब तक हम हैं तब तक लर्न करना है. तो वो चीज़ फैमिली लोगों का सपोर्ट था. पेरेंट्स का मामा मेरे डिप्टी कलेक्टर है, ओएसडी अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस. आवाज़ नहीं आ रही. वो देखो कैसे बोल रहे थे. ओ हीरिये ओ सोनिये ओ हीरिये है तन्हा तेरे बिन दिल मेरा, है मुश्किल तेरे बिन जीना मेरा, जीना मुश्किल मरना मुश्किल. कैसा है ये प्यार इश्क में डूबा दे आशिक कर दे मुझको पार. दिल पर चल गया तेरा वार, हो दिल पर चल गया तेरा वार. माँ जब करना तकरार, माँ जब न करना तकरार. मेरे हार्ट की है चोरी, मेरे हार्ट की है डोरी, तेरे हाथ में है गोरी. आई नो ए छोरी यू लम्बी चोरी चोरी, लम्बे अच्छी नहीं दूरी, आजा पास मेरे छोरी. दिल पर चल गया तेरा वार. बाकी का गाना जब रिलीज हो जाएगा तो आप. आई एम फ्रॉम पटना बिहार. बेसिकली आई एम फ्रॉम चंपारण मोतिहारी. आई एम मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर इज 10+2 प्रिंसिपल, मदर आल्सो. एंड डेफिनेटली आई वांट टू टॉक अबाउट माय मामा. मामा इज माय डिप्टी कलेक्टर ओएसडी इन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस. इन सारे लोग आशीर्वाद है, सपोर्ट है. भैया के टच में भी काफ़ी टाइम से हूँ. इनका भी हमेशा आशीर्वाद सपोर्ट रहता है साथ में. और ये म्यूजिक वीडियो की बात करूँ तो भैया म्यूजिक वीडियो करने वाले थे, मुझे भी पता चला. तो ऑडिशन रखे थे, मैं गया ऑडिशन देने के लिए और मैं ऑडिशन दिया, वहाँ पर सेलेक्ट हुआ. तो बाकी ये मुझे गाना मिला. एंड थैंक यू भैया को कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो एंड वी एंजॉयड अ लॉट. मज़ा आया काम करके. अब आप बताइए कि आपका क्या रहा है शुरुआत से, मतलब शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? और फिर मेरी शुरुआत, मैं एक्चुअली शुरुआत अगर मैं बताऊँ तो बड़ी लंबी एक वो कहानी हो जाएगी, बट उसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन से था. मैं ट्यूशन देता था. मैं अपने आप को स्टैंड करने के लिए, पुश करने के लिए मैंने वहाँ से करियर शुरू किया. और मुझे सर्वाइवल चाहिए था, इसके लिए ट्यूशन देता था. ट्यूशन के साथ में मैं थिएटर करता था क्योंकि सर्वाइवल चाहिए. सर्वाइवल आपको, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है. मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई इस फील्ड को पसंद ही नहीं करता था. उनको लगता था अरे क्या यार तुम कहाँ जाओगे, मैं करना कुछ पढ़ाई करिए, IAS बनिए, IPS बनिए, नहीं बनते तो कुछ टीचर बनिए, कुछ काम करिए जो हम रेगुलर अपने लाइफ में जिसको ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ पाएँ.
बट मैंने मेरा एक सोच था कि मुझे या IPS बनना है या मुझे फिल्म में बनना है, फिल्म मेकर बनना है। मैं एक्टिंग भी करनी है, फिल्म मेकर भी बनना है। और मैं हमेशा ऐसा सोचता था जैसे राज कपूर जी करती थी काम, मेरी सोच ऐसी थी। बट वो सोच कहीं ना कहीं दबती चली जा रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को दबने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं यार, कुछ करूँगा, कुछ करूँगा, अगर मेरे अंदर काबिलियत मैं करूँगा। देन मैं 99 में मुंबई शिफ्ट हुआ और मैंने करियर शुरू किया एक्टिंग से। एक्टिंग में मैंने कई सीरियल में किया, कहीं कोई 2 एपिसोड का रोल मिला, कहीं रोल मिला मुझे 5 एपिसोड का, कहीं 50 एपिसोड का, जैसे सर्वाइवल एंड भाई मुझे यार काम करना है तो काम जो मिलेगा काम करूँगा। पर मेरे अंदर जो काबिलियत थी वो कहीं कहीं मुझे लगा नहीं कि मैं जो कर सकता हूँ वो मुझे मिला है। मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि मैं यार बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। अब जिस डायरेक्टर के पास हम जाएंगे, तो मैं जाता था तो लगता था यार ये इस पे तो वो हीरो है, आपके लिए एक छोटा सा करेक्टर है, और मैं आया तो कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैंने कोशिश की कि भाई ठीक है, ये नहीं तो मैं पहले सीखता हूँ इस लाइन में, मैं एक्टिंग को छोड़ता हूँ, एक साइड से रखता हूँ, मैं पहले कुछ सीखता हूँ। सीखने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, सीखने के लिए आपको प्रोडक्शन चाहिए, सीखने के लिए आपको एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो मैं उस इन्वॉल्वमेंट जुड़ गया जिसमें मैंने फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी की। मैंने अराउंड 20-25 मूवी साउथ से यहाँ की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, एंड साथ में मैं किसी फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर, किसी फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, किसी फिल्म में प्रोड्यूसर, ऐसे में अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। फिर मुझे लगा कि ये भी 2012 में मैंने लास्ट फिल्म की रेडी, मैंने कहा अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो अपने लिए कुछ करूँगा, और मैंने अपने वर्क करना शुरू कर दिया। और आज ये छोटा सा एक शुरुआत है मेरी लाइफ की कि मैं इंडिपेंडेंट कुछ आगे मंथ बाय मंथ करूँगा। ये मेरी अपनी करियर की जर्नी है। रानी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके आपने हजारों गाने गाए हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपके यूट्यूब पर हैं जी, लेकिन इससे पहले की आपकी जर्नी कैसी रही थी, आपकी शुरुआत कैसी रही थी? शुरू जर्नी तो नॉर्मली रही है, बट शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही है। जैसे मैं मार्केट में आई थी तो एक तूफान सा आ गया था राजस्थान में। जैसे पहले एक मैच आता था, पहले इतनी DVD वगैरह नहीं होती थी, तो एक दुकान पर लाइन लग जाती देखने के लिए। तो मैंने वो टाइम देखा है जब मेरा सॉन्ग DVD में चलता था तो ऐसे पूरी लाइन लग जाती थी देखने के लिए कि रानी रंगीली का सॉन्ग चल रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जहाँ मेरे शो होते हैं वहाँ 1.5-2 लाख ऑडियंस रहती है। राजस्थान से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो हिंदी गाना गाने के लिए इतना समय क्यों लगा? ये हिंदी गाना एक्चुअल एक तो हमारी लैंग्वेज राजस्थानी है, फिर यहाँ से मेरा कोई कॉन्टेंट नहीं था, तो राजस्थान में मेरा बहुत अच्छा साम्राज्य है। बस ये चाहती हूँ कि बॉलीवुड पर्दे पे एक बार जरूर दिखूं। रंगीली नाम जो है आपका वो कैसे पड़ा? रानी नाम है मेरा ओरिजिनल, और रंगीली जो मेरे गुरु थे। जब मैं मंच पे डांस करने जाती थी तो पब्लिक एकदम से मतलब अलग ही हो जाता था माहौल। तो उन्होंने, मैं थोड़ा चुलबुल भी हूँ तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आपका नाम रानी रंगीली, तो बहुत फेमस हुआ नाम मेरा। आपने भी सिंगिंग की तालीम कहाँ से ली, मतलब कोई आपका गुरु, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सिंगिंग मेरा सीखा नहीं मैंने।